उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। साथ ही पार्टी के पदाधिकारी भी हाईकमान के दिशा निर्देश पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अंकित अग्रवाल ने सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए जानकारी दी है कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे तैयारियां शुरू कर दें, जनता के बीच पहुंचकर आगे की रणनीति बनाने का काम करें, जिसको लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सिटी चैनल संवाददाता के माध्यम से मौसम में बदलाव के बाद बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक रहने की भी अपील की है। मैं सभी प्रदेशवासियों को एवं जनपदवासियों से यही अपील करना चाहता हूं कि अब मौसम चेंज हो रहा है और दो दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो आज हमारी जो उत्तर प्रदेश की और मुरादाबाद की रोड इतनी ख़राब हैं, गलियों की रोड इतनी ख़राब हैं, जो सरकार जिसके विषय में नहीं सोच रही है, नगर निगम नहीं सोच रहा है, जिससे रोडों पे पानी भर जा रहा है, उन रोडों पे पानी नहीं भरने दें, कूड़े करकट जो है वो डस्टबिन में डालें जिससे पानी इकट्ठा नहीं होगा, और कूड़ा करकट इधर डालेंगे तो गंदगी पैदा नहीं होगी और जिससे डेंगू की बीमारी से निजात पाई जा सकती है, और निजात पाने के लिए साफ स्वच्छ सफाई का ध्यान रखें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल यादव जी ने 12 अक्टूबर को मथुरा से परिवर्तन रथ यात्रा निकाली है और 75 जिलों में वो परिवर्तन रथ यात्रा का आयोजन करेंगे और जनता के हित के कार्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जनता को देश को ज़रूरत है, देश को जनता को ज़रूरत है विकास की, और विकास जब ही हो सकता है जब रोजगार पैदा होगा। अब कोई भी सरकार यूथ के बारे में नहीं सोच रही है, यूथ दिन प्रतिदिन डाउन चला जा रहा है, क्योंकि आज देश सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है, आज पढ़ाई लिखाई के माध्यम के बाद भी आज यूथ खाली है। आज सरकार द्वारा यूथ को रोजगार देना चाहिए, यूथ को रोजगार की ज़रूरत है, जबकि हमारा किसान जो है वो आज धरने पर बैठा हुआ है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये एक बहुत निंदा। जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़िए, जनता के हित की बात करिए, यूथ के विकास की बात करिए, और व्यापारी के व्यापार विकास की बात करिए, किसान के विकास की बात करिए, क्योंकि देश को अब यही चीज़ों की ज़रूरत है और एक देश इसी से ही मिलकर चलता है। जब जो किसान पैदा करेगा फसल वो व्यापारी पे आएगी, और जब व्यापारी पे आएगी तो वो सब जगह जाएगी और यूथ को रोज़गार मिल पाएगा, क्योंकि व्यापारी ही सबसे ज़्यादा यूथ को रोज़गार देता है, और जब व्यापार डाउन होगा तो फिर व्यापारी भी यूथ को रोज़गार नहीं दे पाएगा।